बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामईन। आज 6 जुलाई 2021 और मैं हूँ डॉक्टर अशरफ साहिबज़ादा। आपका अपना यूट्यूब चैनल अशरफ साहिबज़ादा एग्री टीवी। सिलसिला है व्हाट्सएप मैसेजेस का। तो सबसे पहले पहली मैसेज की जाने पढ़ते हैं, देखते हैं ये कौन साहिब हैं या साहिबा हैं और कहाँ से हैं और क्या पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से होंगे। मैंने अभी YouTube पे एक आपका लेक्चर सुना के आमले के बारे में है, तो जी मैंने अभी कॉन्टेक्ट जमा किया वहाँ से लिख के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आमला किस मौसम में मिल सकता है इस्तेमाल के लिए। मैंने अभी 2 दिन पहले ब्लड टेस्ट कराया, उसमें मेरे प्लेटलेट्स बहुत ही कम है, 125 है। 125? मैं परेशान हूँ। मुझे लग रहा था कि 5-6 महीने से मैं बिल्कुल खड़ा हो नहीं चाहती, बिस्तर में लेटी रहती हूँ। और मैं हैरान हूँ कि मैंने जनवरी में एक टेस्ट कराया था एक डॉक्टर की रेफरेंस से। जी जी। वो टेस्ट आया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं कहा, कहने के सब चीज़ें नॉर्मल थी। मेरा चश्मा नहीं था, मैं आंखों पे जोर नहीं दे सकती थी। ये बीच में कोई कॉल आ गई और ये डिस्टर्ब करते हैं जब रिकॉर्डिंग हो रही हो, लेकिन चलें वहीं से देखते हैं क्या। मेरी दोनों आँखों की सर्जरी हुई है। ओहो। अब दोबारा मेरी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हुई तो मेरी बेटी ने ज़बरदस्ती मेरा ब्लड टेस्ट करवाया घर पे बुला के लैब टेक्नीशियन को। जी जी। तो अब जो टेस्ट हुआ तो उसमें तो पता चला 125 है प्लेटलेट्स। 125 तो बहुत हो गए। एहतियात की ज़रूरत है, क्या बताया जाए। बस अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। अब मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ होम्योपैथी का। मुझे किसी ने बताया कि पपीते के पत्तों का रस पीते हैं और या पपीता खाते हैं। हाँ, सेब का जूस पीते हैं नींबू डाल के। हाँ। और सेब का आमले का भी बताया किसी ने, आमला भी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ मुझे आमले कहाँ से मिल जाएंगे जो मैं ले लूँ। मैं ज़्यादा इधर उधर जा भी नहीं सकती हूँ, तो मुझे कोई सही जगह मिल जाएगी तो मैं इंशाल्लाह ले आऊँगी जाके। और मुझे बताइएगा कि खाते कैसे हैं उसको। सुना है कड़वे होते कड़वे मैं कोशिश करूँगी कुछ खा लूँ ताकि मेरा जो टेटलेट है कम हो जाए। मेरी बहन, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे, आपको सेहतियाब करे। तो ये आपको आम जो वेजिटेबल्स शॉप्स होती हैं, ख़ास तौर पे हम तो चूँकि इस्लामाबाद में रहते हैं और इस्लामाबाद में ये इतवार बाज़ार लगता है, ये संडे मार्केट कहें, फ्राइडे को भी लगता है, मंगल को भी लगता है, उनमें ये आपको इसकी दस्तियाबी ये मुमकिन होती है। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर इसकी हार्वेस्टिंग है। जिस चीज़ का आप ज़िक्र फरमा रही हैं वो जो मैंने कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी, इसकी ग्रोइंग टेक्नोलॉजी दी दे रखी है, क्योंकि मैं ज़रात से मुतालिक क्वेश्चंस देता हूँ। बाकी रहा इसको खाने का तरीका, 2 तरीके हैं, या तो नॉर्मली या इसका अचार बनता है और या फिर इसका मुरब्बा बनता है। इसका अचार जो होता है वो तो इतना अच्छा समझा जाता है कि पंजाबी में बाकायदा एक कहावत है कि आमले दा स्वाद ते सियाणे दी मत, यानी जो अकलमंद है उसकी नसीहत और आमला का मज़ा जायका ये बाद में ही पता चलता है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। बाकी रहा किस तरह खाते हैं, ये 2 चीज़ें, या अचार या मुरब्बा नॉर्मली, और ये हर वक्त अवेलेबल है।
और हो सकता है आपको हकीम वगैरह आप जब कंसल्ट करेंगी तो हो सकता है वो कहें कि नहीं, जूस निकाल के वो पिए। जिस तरह मैं, आप मेरा है लीड अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ है एक प्लेलिस्ट है, आप बेटी को ही कहें वो आपको निकाल देंगी। वो मेरा मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में लीड अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ, उसमें आप देखेंगी कि मैं किस तरह करेलों का जूस निकाल के पी रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुगर को कहा बाय बाय। वो प्रोग्राम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो फिर बंदा करता है, कड़वी चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कड़वा नहीं होता ये, इसका जायका है। ठीक है मेरी बहना, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे, ता क़यामत रखे, और सेहत के साथ रखे, और किसी का मोहताज ना करें। दुआओं में याद रखें, फी माल्ला। हर प्रोग्राम का इख्तिताम मैं हमेशा हदीस मुबारक पर करता हूँ। तो आज की हदीस मुबारक है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, सफाई नुस्फ ईमान है। दुआओं में याद रखें, फी मान ला।